नमस्कार दर्शकों, मैं नाजमा अब्दी, स्वागत है आपका न्यूज 30 एक्सप्रेस में। और अब हम आपको लेकर चलते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी और अहम खबरों की ओर। झांसी में ब्लैक फंगस के 5 नए मरीज मिले, 2 का आज होगा ऑपरेशन। अब ब्लैक फंगस अपने पांव पसारने लगा है। बुधवार को इस बीमारी के 5 नए मामले मिले हैं, इनमें से एक अभी संदिग्ध है। उसकी MRI जांच होनी है, पर उसके अंदर लक्षण मौजूद हैं। वहीं 4 की जांच हो चुकी है और उनमें ब्लैक फंगस होने की पुष्टि हो गई है। इनमें से 2 मरीजों का ऑपरेशन आज होने जा रहा है। वहीं राहत भरी खबर यह है कि इस बीमारी के उपचार में प्रयुक्त होने वाले इंजेक्शन मेडिकल कॉलेज को उपलब्ध हो गए हैं और इंजेक्शन मंगाने का प्रयास किया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज के ENT विभागाध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र कुमार यादव ने बताया कि अभी 50 इंजेक्शन मिल गए हैं। 5 नए मरीज आए हैं, जिनमें से 2 के ऑपरेशन की तैयारी कर ली गई है। यह ऑपरेशन आज होंगे। प्रयास है कि सभी मरीजों की जान बचाई जा सके। इंजेक्शन की उपलब्धता के लिए भरसक प्रयास किया जा रहा है। इसकी डिमांड बहुत कम होती है, इस वजह से यहाँ इंजेक्शन मिलने में परेशानी आ रही है। इंजेक्शन बनाने वाली कंपनी को पत्र लिखा गया है, जल्द ही इंजेक्शन की नियमित आपूर्ति शुरू हो जाएगी। देखिए, जो ब्लैक फंगस है, जो इसे माइकोसिस कहते हैं, ये तो पूरे एनवायरनमेंट में भरी पड़ी हुई है। हर किसी के नाक में या कहीं पूरे एनवायरनमेंट में भरी पड़ी हुई है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, जैसे अगर अचार खुला रख दें और उसके अंदर पानी पड़ जाए तो फफूंदी लग जाती है। तो फफूंदी तो पूरे एनवायरनमेंट में है, बस फफूंदी को अपना पात्र मिल जाता है तो ये फफूंदी अपने फिर इसके नुकसानदायक परिणाम आने लगते हैं। तो जो इसके पात्र होते हैं फफूंदी के, वो जो इसे कमज़ोर, जिनकी इम्यूनिटी होती है, जो बहुत लंबे समय से स्टेरॉयड ले रहे होते हैं, जो डायबिटीज़ हैं, डायबिटीज़ के मरीज हैं, जो मोटे मरीज़ हैं, जिनकी शुगर कंट्रोल ठीक नहीं है, ऐसे में जो ये फंगस है ये प्रकट होके लक्षण पैदा करने लगती है। पहले चेहरे पर आती है, फिर आँख पर आती है, फिर ये पेट को भी नुकसान पहुँचा सकती है और काफ़ी इन्वेजिव फंगस होती है। ये जब फंगस दिमाग के अंदर घुस जाती है तो आदमी को पैरालिसिस हो जाती है, मुँह टेढ़ा हो सकता है, बेहोश हो सकता है और अंततः अगर समय रहते इलाज नहीं हुआ तो मृत्यु तक भी हो जाती है। इसकी 2-3 दवाइयाँ हैं, अगर समय रहते रिकमेंडेशन है, चूँकि इतनी ख़तरनाक बीमारी है, इसकी डायग्नोसिस प्रूव करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जैसे ही सस्पेशन हो इसमें दवा चालू कर देना चाहिए। इसमें एम्फोटेरिसिन नाम की दवा है, इसमें मेडिकल कॉलेज झांसी ने प्रोक्योरमेंट चालू कर दिया है और पोसाकोनाजोल भी एक मेडिसिन आती है, करीब 45 दिन तक दवाइयाँ दी जाती हैं। तो समय रहते डॉक्टरों को, सबको समय रहते इसको पकड़ना चाहिए और समय रहते इलाज हो जाए तो इस बीमारी से मुक्ति पा सकते हैं, अगर लेट हो गए तो मृत्यु हो जाती है। यहाँ जो 2 लोगों की डेथ हुई है तो क्या वो कोविड वाले मामले थे या कुछ अलग है? नहीं, जैसे मुझे मालूम पड़ा है कि कोविड अस्पताल में भर्ती थे, काफ़ी वीक थे और इनकी इम्यूनिटी काफ़ी कम थी। इसमें कोविड के साथ साथ ये फंगस भी ग्रो कर गई और फंगस चूँकि इम्यूनिटी कम थी, इतनी तेज़ी से ग्रो हुई, जब से पहले की दवा का असर आ पा था, इनकी मृत्यु हो चुकी थी।